सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस व्लॉग को शुरू करते हैं। तो हाँ जी भाई साहब, बहुत ही जल्द आपके सामने आ रहा है रास रंग गरबा बोईसर का एडिशन 3 यानी सीजन 3 आपके सामने। देखिए पीछे मेरे सामने पूरा काम चलता हुआ, अंदर चलते हैं आपको पूरा जानकारी देते हैं। अभी काम शुरू हुआ है, काम चल रहा है भाई साहब, बहुत एक्साइटमेंट। तो एक डिटेल वाली वीडियो आपके सामने लाई जाए, सारी टिकट कैसे बुक करना, कौन कौन आ रहा है भाई साहब, इस बार की सेलिब्रिटी भी जोरदार है और कौन कौन सिंगर है, आपको सब कुछ जानकारी मिलेगी। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को भी लाइक कर दे और अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में, पूरे बोईसर में, हर जगह, इवन पालघर डिस्ट्रिक्ट में शेयर कर दे, क्योंकि पूरे पालघर डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा और सबसे भव्य गरबा बन चुका है हमारा रास रंग गरबा बोईसर। तो चलिए आपको दिखाते हैं अंदर की तैयारी कैसे चल रही है और टिकट की भी सारी डिटेल्स बताई जाएगी। तो भाई साहब, आपको कैसे बुक करना, अपने दोस्तों को कैसे बताना है, फैमिली के साथ आना है, फ्रेंड के साथ आना है, कैसे कैसे सब कुछ क्या करना है, सब कुछ आपको जानकारी मिलेगी। वीडियो को पूरा वॉच करना, आ जाइए। हाँ जी गाइस, फाइनली अभी हम लोग खड़े हैं सर्कस ग्राउंड के बाहर, जहाँ पे रास रंग गरबा बोईसर का सीजन 3 आपके सामने बहुत ही जल्द आने वाला है, यानी 3 अक्टूबर से। तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं अभी कितना काम शुरू हो चुका है और कितना काम लगभग कम्प्लीट हो चुका है। फाइनली यहाँ से हम एंट्री करेंगे। फिलहाल इस साइड में देखो, इस साइड में तो ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं सब, और वहाँ पे एक साइड में अपना, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये काम चालू होता हुआ गरबे का। फिलहाल ये पूरा ग्राउंड है, यहाँ भी बच्चे मैच खेल रहे हैं, और अगर वाइड एंगल में दिखाया जाए तो पूरा ऐसा दिखता है सब कुछ। ये देखो फिलहाल काम शुरू है भाई, काम चल रहा है, काम तो बहुत ज़ोरों शोरों में चालू है भाई। काम के लिए तो भाई पूछो मत, अभी परसों में आया था एक दिन पहले, तो भाई यहाँ पे बस माल मटेरियल जो भी होता है पोल वगैरह सब यहाँ पे ला के गिराया गया था गाड़ी द्वारा, और अभी खड़े भी हो गए लगभग। अब चलते हैं स्टेज के पास, वहाँ के दिखाते हैं कि वहाँ का कैसा अभी काम चल रहा है और कितना हो चुका है। तो हाँ जी भाई साहब, आज थोड़ी थोड़ी बारिश भी हुई है, इसलिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे गीला है, लेकिन कोई नहीं भाई, सब ठीक हो जाएगा भाई, सब सूख जाएगा बस। फिलहाल तो बारिश की कोई आशंका नहीं लग रही है, क्योंकि भाई बारिश तो पिछले अनंत चतुर्दशी के बाद से तो बंद ही हो गई, खाली एक दिन बारिश हुई थी। तो बारिश ना हो तो बढ़िया है, वरना रास रंग गरबा को इस बार और भी ग्रैंड बनाना ना, तो भैया बारिश ना आए तो बेहतर होगा। देखिए ये खड्डा वड्डा हो गया, ये इस जेसीबी और क्रेन लिफ्ट के द्वारा। भाई साहब जमीन यार गीला है, कुछ भी अभी गीला है, तो इसको रिकवरी करने के लिए कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, और कुछ कुछ तो जला भी दिया गया, और बाकी ऑल ओवर ये ऐसा काम चल रहा हुआ। ये दिख रहा है, ये सब कंपाउंड है पूरा, यहाँ सब पर्दे लग जाएंगे, ये सब ढक जाएगा, और यहाँ आई थिंक ये सब सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है स्टेडियम वाला, ये सब लगने वाला है पूरा। और ये ऑल ओवर पूरा आपका हो गया वाइड एंगल में नज़ारा पूरा। अगर सही मायने में एक चीज़ बताऊँ ना, तो भाई इस बार का स्टेज है ना काफ़ी ग्रैंड लग रहा है, मतलब स्टेज का जो साइज़ है ना वो पिछले 2 साल के अकॉर्डिंग में ना इस बार काफ़ी मतलब ग्रैंड और बड़े लेवल का लग रहा है। तो आई थिंक कुछ बड़ा धमाका है, आपको वीडियो में आगे सब कुछ जानने मिलेगा। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लाइक करते रहना, और सारी डिटेल्स इसमें अवेलेबल है रास रंग गरबा बोईसर सीजन 3 यानी 2024 की। तो जी भाई देखिए आपके सामने ये ऑल ओवर स्टेज ऐसा बन रहा है, अभी फिलहाल काम चल रहा है, देखिए देख लीजिए। अगर आप लगातार 2 साल से आ रहे हैं तो, या फिर पिछले साल ही आए, तो देखिए इस बार का साइज़ काफ़ी ग्रैंड है। तो फिलहाल अभी रॉ है, देख लीजिए काम शुरू है। तो जी भाई ये फ्रंट व्यू सामने से देख लीजिए एक बार कैसा लग रहा है, भाई साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत स्पीड में काम चल रहा है, जोरदार। तो हाँ जी भाई, इस बार टोटल 3 सेलिब्रिटीज़ आ रही हैं, मतलब पिछली बार जो आए थे उसमें से कोई भी नहीं है, सारे चेंजेस हैं, तो आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप देख लीजिए। सिंगर के अलावा तो एक हो गई वारीना हुसैन हो गई जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, और एक सोनाली कुलकर्णी हो गई जो मराठी एक्ट्रेस हैं, और एक है श्रेया बुगडे हैं, तो भाई ये भी आ रही हैं, ये कुछ टीवी सीरियल की एक्ट्रेस हैं। तो भाई अगर आप इन सबको जानते हो तीनों में से किसी को, तो उनके लिए तो आप ज़रूर आ सकते हैं। और हाँ, सबसे मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी टिकट और पास कैसा क्या सब कुछ है, वो कैसे लेना है। तो आपको टिकट और पासेस मिलेंगे इनसाइडर पर, इनसाइडर एक प्लेटफॉर्म है जो फिलहाल यहाँ इन लोगों ने जिससे टाइप करा है, तो उसके थ्रू आपको ऑनलाइन आप ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर रास रंग गरबा के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज से वहाँ पर जाके भी आप विजिट करके टिकट परचेज कर सकते हैं, या फिर आप अपने पास बनवा सकते हैं। और गेट के बाहर भी वो कुछ आई मीन 4-5 दिन पहले यहाँ भी एक काउंटर लगता है, तो वहाँ से भी आप अपने जो पास या फिर जो टिकट है डेली के वो भी परचेस कर सकते हैं। अब रही प्राइस की बात, तो चलिए अब आपको बताते हैं प्राइस। तो पर डे के अगर नॉर्मल आप टिकट बुक करेंगे तो ₹160 एक बंदे के लिए, अगर आप VIP बुक करेंगे तो VIP में एक बंदे के लिए ₹300, अगर आप सीज़न पास लेंगे नॉर्मल
तो आपको 1500 रुपये पे करना पड़ेगा 9 दिन के लिए। अगर आप VIP पास लेंगे तो आपको उसका भरना पड़ेगा 3000 रुपीज़। तो ये बात आप ध्यान में रखें। तो ये सारी क्राइटेरिया है, आपको ये कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आपको अंदर एंट्री मिलेगी, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। इस बार बहुत ही स्ट्रिक्ट है, और इस बार भाई कोई एक बड़ा इवेंट वाला है भाई, बड़े इवेंट वाले वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्रोग्राम। वैसे तो ऑल ओवर सारा ये जो हमारे विश्वास सर हैं वही सब कुछ मतलब देख रेख कर रहे हैं, उनके फाउंडेशन के अंतर्गत ही सब कुछ होता है, लेकिन जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो कोई अलग कंपनी है। तो भाई कोई चांस नहीं है, तो इस बार टिकट विकट का सब कुछ देख लेना। इसलिए मैं सोचा आपको सारी डिटेल बता दूं, क्योंकि मैं लगभग पिछले 2 साल से देख रहा हूं, लगभग जो बाय पास बाय टिकट एंट्री वाले बहुत कम दिखते हैं, और जो जुगाड़ से आने वाले ना वो डबल दिखते हैं। तो इस बार कुछ अपना देख लेना भाई, कैसे क्या करना है। ऑल ओवर ये एक जानकारी वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा, आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर करना, और अभी से अपना स्लॉट बुक करिए, टिकट बुक करिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। और हाँ, VIP में एक और मौका है, आपको पता है, आपके साथ में जो मतलब ये यहाँ पे मतलब जो सेलिब्रिटीज़ आने वाले ना उनके साथ में फ़ोटो भी खिंचवा पाएंगे आप, और बहुत सारे फन, और हर दिन प्राइज है, ये भी आप ना भूलिएगा। आप ड्रेस कोड एक से एक पहन कर आइए, उसके ऊपर ही सारा डिपेंड करता है। जितने अच्छे आप ड्रेस पहन कर आएंगे, जितना अच्छा हाईलाइट होगा, और मतलब एक सेलेक्ट किया था ना डांस के ऊपर, बस वैसा ही। तो आप प्राइज और VIP में, हाँ, वाटर बॉटल भी अवेलेबल है, वो सबसे मेन चीज़, पानी की बोतल, बाकी सारी स्टॉल तो लगी रहती है, आपको पता है, जो आपने पे करो और परचेस करके खाते रहो।